दोस्तों हम एक पोर्शन पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा पोर्शन जो है समावेशित शिक्षा। ठीक है, हम पहले यह समझ लेते हैं कि समावेशित शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, समावेशित शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है किसी भी चीज को मिलाना, यानी कि किसी भी चीज का समावेश करना। तो हम कह सकते हैं हम उन बालकों की बात कर रहे हैं, उन विशिष्ट बालकों की बात कर रहे हैं जो समाज, भाषाई और लैंगिक और भावनात्मक रूप से इन कारकों से जो विशिष्ट बालक हैं, जिनको अलग थलग कर दिया जाता है, ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ मिलकर पढ़ाया जाए, उन्हें उस जो शिक्षा होगी उस शिक्षा को बोलेंगे समावेशित शिक्षा। यानी कि ऐसे विशिष्ट बालक जिन्हें एक छत के नीचे, यानी जिन्हें सामान्य बालकों के साथ एक छत के नीचे अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसे बोलेंगे समावेशित शिक्षा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, समावेशी यानी कि अगर हम इस शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालें तो होता है समावेश करना। समावेश का मतलब होता है किसी भी चीज को मिलाना, यानी बोलते हैं ना इसका इसमें समावेश कर दो, है ना। तो किसी भी चीज को मिलाना, अब किसी भी चीज को कहा, यहां तो बाल, यहां पे तो शिक्षा की बात हो रही है, और शिक्षा कौन करता है बेटा, शिक्षा बालक करते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ है। ठीक है, यहां बालकों की बात चल रही है, तो कौन से बालक, ऐसे विशिष्ट बालक, कौन से बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिन्हें कैसे पढ़ाया जाए, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ, जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम समावेशी शिक्षा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समावेश करना, यानी कि मिलाना। ठीक है, तो यहां बात किसकी चल रही है, बालकों की बात चल रही है। तो ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, यानी कि एक छत के नीचे एक साथ मिलकर पढ़ाया जाए। मतलब जैसे कोई समाज से कोई निकाला हुआ बच्चा है, ठीक है, तो उनको हम क्या करें, उनको बुला के अपने अपने बच्चों के साथ, अपने सामान्य बच्चों के साथ उनको मिलकर पढ़ाया जाए। मतलब उन बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमें क्या कर रहे हैं, हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमें यहाँ से ये अनदेखा कर रहे हैं। उन लोगों को बच्चों आत्महीनता नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे बच्चों को मिलकर पढ़ाया जाए। ठीक है, या वो अपने उनको थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए उन बच्चों को कि नहीं अब यार ये तो मतलब सही नहीं है, ये लोग मुझे गिरा रहे हैं नीचे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात चलती है, अगर हम इसका एक परिभाषा देखें तो परिभाषा यह बनती है, ऐसे बालक जो समाज, भाषा, लैंगिक, समाज, भाषा, लैंगिक और भावनात्मक रूप से या अन्य कोई कारक या अन्य कारकों के वजह से बिना भेदभाव के सामान्य बच्चों के साथ अगर पढ़ाया जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे समावेशित शिक्षा। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। देखो एक मोटी मोटी, देखो एक क्या होता है कि मैं आपको किताब वाली भाषा रट के पढ़ा दूं, है ना। अब क्या, जो भाषाएं मैं बनाता हूं, जैसे कोई परिभाषा होती है तो मैं अपनी अपनी भाषा में आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिससे आप अच्छे से, हम लोग आराम से बढ़िया तरीके से जुड़ सकें। ठीक है, तो ये हो गई समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब समावेश करना, यानी कि मिलाना, यानी अब मिलाना किसको, सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को। अब बात ये आती है कि विशिष्ट बालक कहते कि नहीं है, तो विशिष्ट बालक इनको कहते हैं, मतलब ऐसे बालक जो सामान्य से कैसे हो, प्लस हो,
मतलब जो सामान्य से ऊपर वाले बच्चे होंगे उन्हें भी विशिष्ट बालक बोलेंगे, जो सामान्य से नीचे वाले बच्चे भी होंगे उन्हें भी विशिष्ट बालक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बालक यानी ऐसे विशिष्ट बालक जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए उसे बोलेंगे, उस शिक्षा को बोलेंगे हम समावेशी शिक्षा। देखो अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो ये होगी ऐसे बालक जो समाज से, मतलब जैसे समाज से निकाले गए बालक हों, और ऐसे बालक हों जैसे अब कोई अभी तमिलनाडु से कोई बच्चा आ जाए और वो अपने यहाँ भिंड में आके रहने लगे, ठीक है, अब उसको निकाल दो, नहीं भैया हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, आप यहाँ से जाइए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अलैंगिक, तो देखो जो कोई लैंगिक की वजह से उन बच्चों को अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, उनकी लिंग की वजह से उन्हें बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भावनात्मक रूप से, मतलब ये समझ लो कि किसी भी बच्चे से आपकी लड़ाई हो गई, मतलब आपकी भावनाएं उससे घृणित हो गई, ठीक है, अब आपने उससे घृणा करना स्टार्ट कर दिया, अब आप एक टीचर हैं, आपने उस बच्चे से घृणा करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उसको, वो आपके पास पढ़ने आया और आपने उसको निकाल दिया, आपने कहा चलो भागो यहाँ से, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए कि सारे बच्चे, आप मतलब अब मान के चलिए कोई बच्चा जैसे उसका पैर थोड़ा सा खराब है, या मान के चलिए कोई बच्चा उसकी, कोई बच्चे की आंख थोड़ी सी खराब है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये देखो बेटा आपकी आंख खराब है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को एक साथ मिलकर एकजुट करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, उसमें आत्महीनता नहीं होनी चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो भावनात्मक या अन्य कारकों की, मतलब ऐसा कोई भी कारक चलेगा, ठीक है ना, किसी भी कारक की वजह से बच्चों को अपने को भावना नहीं है, उसको पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है उसको, उसका मतलब उसको अच्छे से बनाना है ना बच्चे को, तो कारकों की वजह से बिना भेदभाव के सामान्य बच्चों के साथ अपने को पढ़ाना है, तो इस शिक्षण विधि को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये समावेशी शिक्षा आई कहां से, मतलब ये शब्द सबसे पहले आया कहां से। बात देखो मैं हर चीज बताता हूं आपको, मेरी आप पिछली वीडियो भी देखेंगे मैंने एक एक शब्द बताया है कि ये शब्द कहां से आया है, ये चीज कब आई थी, मैंने सारी सनें बताई हैं, है ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और मेरा एक ऐप है बेटा तपोभूमि, ठीक है ना, आप उस ऐप पर आइए तपोभूमि नाम से, ठीक है, आप इस ऐप पर आइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ से हमारा पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी, आपको बाकायदा सारा बाल विकास का सारा कोर्स, आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स और सारे आपको वीडियोस आपको यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ से आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गई समावेशी शिक्षा, ठीक है, कहां पे थे, हाँ बात ये थी कि समावेशी शिक्षा आई कहां से। तो देखो बात है 1990 की, 1990 की, अब 1990 में एक जगह है थाईलैंड, ठीक है, और वहां का एक शहर है, उस शहर का नाम है बेटा जेमेशियन, थाईलैंड एक जगह है, थाईलैंड एक जगह है और यहां का एक शहर है जेमेशियन, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, है ना, एक जगह है जेमेशियन, ठीक है। तो यहां पर एक सम्मेलन हुआ, यहां पर एक सम्मेलन हुआ, देखो यहां पर एक सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन में बालकों की बात की गई। देखो 1990 से पहले बच्चों में थोड़ा, मतलब अभी भी, मतलब मैं मान के चलो कुछ अगर कोई बच्चा है, जैसे क्लास है, पूरी क्लास में कोई बच्चा है उसकी आंख खराब है, तो भैया अगर कोई बच्चा पढ़ने आया तो आपने पहले से यही बोल दिया यार सवेरे सवेरे किसके मुंह देख लिया, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 1990 से पहले देखो ऐसा था कि बच्चों के, मतलब ये था कि जो विशिष्ट आवश्यकता बालक थे उनको अलग से पढ़ाया जाता था, उन्हें सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाया जाता था। अभी भी ऐसा है, मैंने काफी स्कूल ऐसे देखे हैं कि वो ये स्कूल केवल इन्हीं बच्चों के लिए बना है, ये स्कूल केवल इन्हीं बच्चों के लिए बना है, ठीक है ना। इसमें ये ऐसे अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो शिक्षक क्या करते हैं कि माता पिता से, अरे यार आपका बच्चा हमारे स्कूल में सही तरीके से कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा है इसलिए आप अपने बच्चों को यहां से ले जाइए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1990 में एक जगह है थाईलैंड और थाईलैंड का शहर है जेमेशियन, यहां पर क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था।
तो इन सम्मेलन में जब इस सम्मेलन में पूरा सम्मेलन हुआ तो इस पूरे सम्मेलन में दो बातें निकल के आई, उतनी बातें दो निकल के आई, दो बातें निकल के आई। तो जो पहली बात थी वह यह थी कि जो शिक्षा होती है ना बेटा, यह शिक्षा सभी के लिए होती है ना। ऐसा नहीं है कि इसे केवल अमीर लोग ही पढ़ेंगे और गरीब लोग इनको नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब लोग शिक्षा नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक बात निकल के आई कि बच्चे, वृद्ध, वृद्ध, प्रौढ़, शिक्षा सभी को दी जाने चाहिए, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, या हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट निकल के आया। दूसरा पॉइंट बेटा ये निकल के आया कि लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर हम शिक्षा दे रहे हैं, अगर हम शिक्षा दे रहे हैं, तो अब मान के चलो सारे बच्चे अपने पास पढ़ने आए, ठीक है। मैं अकेडमिक भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, हमारी कोचिंग है यहाँ पे, मैं अकेडमिक भी पढ़ाता हूँ। तो जब बच्चे आते हैं तो मैं बच्चों को पहले से ही बोल देता हूँ, देखिए बच्चे, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ही आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, तो ही पढ़िए, वरना आप मत पढ़िए, ठीक है। आप पैसा बर्बाद मत करिए। अगर आपको लगे कि नहीं, अगर हम पढ़ सकते हैं, हमें वो काबिलियत है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो ही आप पढ़िए, है ना। आधे अधूरे से मतलब आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मन कहीं और लग रहा है यार पढ़ना ही नहीं। बाकायदा अपने घर पे आप बोल सकते हैं कि पापा मेरे को पढ़ना नहीं है, मुझे आप कहीं कुछ और करवा दीजिए, ठीक है ना, तो वहां पे आपका चल जाएगा। तो सेम है कि आप लक्ष्य निर्धारण करिए, यानी कि जो बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं आप उनका लक्ष्य बताइए कि बच्चा आपको ये करना है। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, बेटा आपकी रुचि किसमें है, आपको क्या करना है। अगर आप देखो मैं पढ़ा बेशक हो रहा हूं, अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो मैं आपको क्रिकेट भी खिलवा सकता हूं, है ना। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप फ्री है, ठीक है ना। आप बच्चों के ऊपर एक तरीके से बोझ नहीं डाल सकते। आप उनसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं भैया आपको कलेक्टर ही बनना है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो बनना है आप बन सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आपको उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, बच्चों का लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। आजकल के माँ बाप क्या है कि क्या करते हैं, नहीं आपको कलेक्टर ही बनना है, पढ़ चुपचाप से बैठ के, नहीं। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो बच्चों का लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। ये बात समझ में आई, ये टॉपिक इतना समझ में आया। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। चलिए देखिए, अब बात आती है 1994 की, है ना। 1994 में भी एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो इस सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं कि इस सम्मेलन में हुआ क्या था, ठीक है। तो देखिए इस सम्मेलन में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ था। 1994 साल थी और जून का महीना था, ठीक है, जून का महीना था और स्पेन जगह थी। कौन सी जगह थी बेटा? स्पेन, ठीक है। तो यहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम सलमान का सम्मेलन कहते हैं, सलमान का सम्मेलन इतनी कहते हैं, सलमान का सम्मेलन कहते हैं, सलमान का सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जिस टॉपिक पे बात की जा रही थी, देखो ऐसा होता है कोई सम्मेलन होता है ना तो उसका एक टॉपिक निर्धारित कर दिया जाता है, भैया हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो जो सलमान का सम्मेलन था इसमें क्या टॉपिक था, इसका जो विषय था, जो टॉपिक का नाम था, वह यह था कि विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाले
बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना, ठीक है। तो ये इनका विषय था, समझ में आया, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना, यह या तो हम यह कह सकते हैं कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों को विशेष शिक्षा देना। विशेष जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, जो विशेष बालक हैं, इन बालकों को शिक्षा देना, या हम यह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में यह बात सामने निकल के आई कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाएगी। बहुत सारा इसमें मतलब जोर हुआ, वह कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है ऐसे बच्चे नहीं चल पाएंगे, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब इसका जो पूरा सार निकला इस सम्मेलन का, सार यह था कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, इनको कोई विशिष्ट जगह बिठा के विशिष्ट शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनको सामान्य बालकों के साथ, जैसे सामान्य बालकों को शिक्षा दी जा रही है, सेम उसी प्रकार इनको साथ में बिठा के शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। जिससे उनके अंदर हीन भावना, उनके अंदर क्या होता है, हीन भावना पैदा हो रही है, तो वो जो हीन भावना होगी वो कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इस सम्मेलन में यह सार निकल के आया, समझ में आया। अब हमारी दिल्ली की एक एनसीईआरटी है, नाम तो सभी ने सुना ही होगा एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी ने कुछ बोला था, उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, तो हम पॉइंट देख लेते हैं उन्होंने क्या पॉइंट दिए थे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, चलिए देखिए, उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, उनके पॉइंट्स क्या थे, हाँ देख लेते हैं। एनसीईआरटी के और सलमान काका जो सम्मेलन था, इनके पॉइंट्स क्या थे, देख लीजिए। एनसीईआरटी और सलमान का सम्मेलन, ठीक है, इनके पॉइंट्स क्या थे ये देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने बोला इन्होंने बोला धर्म जाति लिंग समाज और परिवार से, यानी कि देखो पहले समझ लो, धर्म जाति लिंग समाज, लिंग समाज परिवार से या परिवार के बालक बिना भेदभाव के, कैसे, बिना भेदभाव के सामान्य बालकों के साथ, बालकों के साथ, ठीक है। मैं इतना ही लिख रहा हूं, इतने समझ लीजिएगा। देखिए धर्म जाति लिंग समाज और परिवार, ठीक है। देखिए ऐसे बच्चे जो धर्म से कैसे हो अलग कर दिए गए हो, ऐसे बच्चे जो जाति से अलग कर दिए गए हो, ऐसे बच्चे जिन्हें लिंग से अलग कर दिया गया हो, समाज से अलग कर दिया गया हो, परिवार से अलग कर दिया गया हो, तो ऐसे जो विशिष्ट बालक हैं, ऐसे जो विशिष्ट बालक हैं, इन्हें किसी बिना भेदभाव के सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। यह किसने बोला, ये एनसीईआरटी ने बोला। फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, धर्म जाति लिंग समाज परिवार के ऐसे विशिष्ट बालक जिन्हें समाज से या तो देश निकाला बोलते हैं ना, समाज से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे बालकों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना चाहिए। यह किसने बोला, यह एनसीईआरटी ने बोला। अब सलमान का जो सम्मेलन था, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि समाज, इन्होंने बोला समाज
भाषा, बुद्धि और मानसिक, यानी कि ऐसे बच्चे जो समाज से अलग कर दिए गए हों, ऐसे बच्चे जो भाषा के आधार पर अलग कर दिए गए हों, ऐसे बच्चे जो बुद्धि के यानी कि मंद बुद्धि वाला या किसी मानसिक पीड़ा से ग्रसित या किसी मानसिक पीड़ा से ग्रसित यानी कि ऐसे विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कराना चाहिए। ये किसने बोला था? ये जो सलमान का सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात सामने निकल के आई थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम समावेशित शिक्षा, इसको भी बोलेंगे हम समावेशित शिक्षा, और हमने जो पहले पढ़ा था उसे भी बोलेंगे समावेशित शिक्षा, यानी सभी को मिला के एक साथ चलाना। अब ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने होशियार होशियार बच्चों को आगे बिठा लिया और जो वीक बच्चे हैं उन्हें आपने पीछे बिठा दिया, और आप केवल होशियार बच्चों को लेकर धड़ाधड़ पढ़ाए जा रहे हैं और पीछे वाले बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो शिक्षक होता है, देखो मैं अपनी बताऊं मैं क्या करता हूं, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं मैं इतने धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूं, इतना समझा के पढ़ा रहा हूं, तो मैं केवल होशियार बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ये होशियार बच्चे तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मैं ये पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई वीडियो का साधन है ना बुक्स है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा मैं ऐसा चाहता हूं, देखो मैं अपने तपोभूमि ऐप पर ऐसे कोर्स दे रहा हूं कि इतना सस्ता कोर्स, ठीक है ना, कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, मात्र 300 रुपए में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए, आपको अगर मेरा समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मेरा पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कोर्स, अब देखो मैं अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं बोल दूं कि फ्री ले लो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ देखो बहुत सारे चीज़ें लगती हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही कम रुपयों में ये चीज़ दे रहा हूँ। तो ये होना चाहिए कि सभी को ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो होशियार बालक है उन्होंने 15,000 रुपये दे दिए किसी दूसरी कोचिंग में और उन्होंने कंटेंट खरीद लिया और वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक ऐसे ही बालक है, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है कि हर बच्चों के लिए यह वीडियो उपलब्ध रहे, सभी को ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको मतलब कुछ भी, मतलब जिनको कुछ उपलब्धि नहीं है, है ना, वो चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें कोर्स मिल जाए और वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उनके लिए है, ठीक है। ये चीज समझ में आई लग रहा है कि आप, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, आई थिंक आपके आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि अब हम प्रॉपर समावेशी शिक्षा पे आ जाते हैं कि ये समावेशी शिक्षा के किन बच्चों के लिए ये समावेशी शिक्षा आवश्यक होती है, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा, और मैं उन पॉइंट्स को एक एक करके समझाऊंगा भी कि किस तरीके से जो समावेशी शिक्षा है ये किन बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। देखो तो पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो विशेष हों, जो विशिष्ट हों और उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें प्रॉपर शिक्षक शिक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमें समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए। भैया सब लोग एक साथ पढ़ो, मजे से पढ़ो, है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। दूसरा पॉइंट यह है कि मानसिक सामाजिक लिंग या अन्य कोई कारक, या अन्य कारक के आधार पर विशिष्ट बालक, समझ आया, मतलब ऐसे बच्चे जो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हों, ऐसे बच्चे जो सामाजिक, जो देखो हमारा समाज भी बहुत दो हाथी समाज होता है,
ठीक है ना। जो अच्छे बालक है उनकी वाहवाही करता है, अरे भैया वो बच्चा ऐसा है देखो कितना बढ़िया है ना, और जो बच्चा थोड़ा सा डल है अरे देखा उनका लड़का ये निकल गया, अरे तुम क्या कर रहे। देखो मैं पहले एक बात बता दूं कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो भैया आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, आपके पड़ोसी और आपके परिवार वाले, मतलब अपने मम्मी पापा नहीं परिवार वाले, चाचा ताऊ वगैरह कहीं आप बैठे हो कि भैया क्या हो रहा है और पढ़ाई कैसी चल रही है, नौकरी वोकरी लगी कि नहीं लगी, अरे भैया तुम्हें क्या करना है हमारी नौकरी से, लगी हो या नहीं लगी हो तुम्हें क्या करना है, अपना काम करो, ठीक है ना। नहीं लेकिन वो आगे चढ़ेंगे दिमाग खराब करेंगे और बस ठीक है, और तुम आप लोग क्या करोगे कि टेंशन में कहीं कुछ भी करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज होता है और लिंग के आधार पर ये मान के चलते हैं, कोई अन्य कारक हो तो इसके आधार पर जो विशिष्ट बालक होते हैं इन बच्चों को भी समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट है नकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति। देखो अभी वृद्धि नहीं है बेटा, अभिवृत्ति है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होती है, मान के चलते हैं दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा और उसने पेपर दिया और उसकी जॉब नहीं लगी। अब छोटा भाई यह बोलेगा भैया ने तो पढ़ लिया, जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो हम पढ़ के क्या करेंगे, तो हमें भी नहीं पढ़ना। तो जो ऐसे नकारात्मक अभिभावकों को भी अपने पास बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए। एक शिक्षक का कार्य यही है कि उसको अपने पास बुलाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ठीक है ना, उसको बताना चाहिए कि बेटा किसी कारण बस आपके भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आप धैर्य रखिए आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो ऐसे बालकों को भी जरूरी है समावेशित शिक्षा। इसके बाद आता है जो 4 नंबर है, पाठ्यक्रम। मतलब कि हमें पाठ्यक्रम ऐसा रखना चाहिए जो विशिष्ट बालक भी पढ़े और सामान्य बालक भी पढ़े। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई बच्चा है 5th क्लास का, मैंने उसे 7th क्लास का पाठ्यक्रम दे दिया, अब तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, और 5th क्लास में कुछ होशियार बच्चे भी होंगे, है ना, वो शायद पढ़ लें, ऐसा भी होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक सरल और सुबोध, एक समुचित पाठ्यक्रम रखना चाहिए जिससे जो मंद बुद्धि बालक है, जो विशिष्ट बालक है वो भी पढ़ लें, और जो सामान्य बालक है, जो होशियार बालक है और वो भी पढ़ लें, यानी सारे बालकों को एक जैसा समुचित पाठ्यक्रम हमें देना चाहिए, ठीक है ना। ये एक 4th पॉइंट हो गया। इसके बाद अनुपयुक्त योजनाएं, जो 5th पॉइंट है वह ये है अनुपयुक्त योजनाएं। मतलब कि बेटा ऐसी योजनाएं, अच्छा ऐसे बच्चे, हम ये कह सकते हैं ऐसे बच्चे, मान के चलो कोई बच्चा झाबुआ में रह रहा है, बहुत दूर दराज क्षेत्र में रह रहा है और वहां पे सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां पर वो ये बच्चा रह रहा है और वहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, अब वह बच्चा आपके पास आया, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपको उसे पूरी और सरल और सुबोध अच्छी शिक्षण विधि से उसको पढ़ाना चाहिए। उसे भी जरूरत है किसकी, समावेशित शिक्षा की। क्लियर हुआ है अनुपयुक्त योजनाएं, 5वां पॉइंट। और 6वां जो पॉइंट है, मनोसामाजिक कारण, यानी कि ऐसे बच्चे जो मनोसामाजिक, मतलब जो समाज के द्वारा कैसे हो अलग थलग कर दिए गए हों, उन बच्चों को भी जरूरत है समावेशित शिक्षा की। अब ऐसे बच्चे जो विशिष्ट जीवन यापन करते हैं, उन बच्चों को भी जरूरत है समावेशित शिक्षा की। मतलब कैसे, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है ना, वो झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी क्या है विशिष्ट जीवन यापन कर रहे हैं।
अब उन बच्चों को भी हमें समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, समान बालकों के साथ देनी चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा जो समान बालकों के साथ दी जाए उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों को भी हमें समान शिक्षा देनी चाहिए, समझ में आया ना, यानी समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समावेशित शिक्षा होती क्या है। अब हमारा जो मेन एकदम जो केंद्र बिंदु है वह यह है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो देखिए, समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने यह जाना कि समावेशी शिक्षा आई कहां से, मतलब इसका जो शब्द रूप है वो आया कहां से, ठीक है। तो देखिए, समावेशित शिक्षा यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समावेशित शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब यह होता है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक अगर इनको एक साथ शिक्षा दी जाए तो उसे बोलते हैं हम समावेशित शिक्षा, ठीक है। या हम यह बोल सकते हैं असमर्थ बालक। कैसे बालक बेटा? असमर्थ बालक प्लस सामान्य बालक, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चों को अगर समावेश करके अगर उन्हें शिक्षा दी जाए तो इसे हम समावेशित शिक्षा बोल लेते हैं, समझ में आया। अब ये जो समावेशी शिक्षा होती है ये किन बच्चों को आवश्यक होती है, यानी कि ऐसे विशिष्ट बालक जो समाज से अलग थलग कर दिए गए हों, जो मानसिक यानी कि मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो, शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो, जिन्हें लिंग के आधार पर अलग थलग कर दिया गया हो, इन सारे बच्चों को, इन सबको एक साथ एक छत के नीचे एक क्लासरूम में एक पर्यावरण में एक साथ अगर पढ़ाया जाएगा तो इसे बोलते हैं हम समावेशित शिक्षा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है। ऐसे बालक इसको बोलेंगे समावेशित शिक्षा, ठीक है। अब ऐसे कौन से बालक हैं जिनको यह आवश्यकता है, तो ऐसे कौन से बालक हैं जिन्हें यह शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो देख लीजिए मैं वो पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, इस बात की तो परेशानी लिए लो ही मत। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, हेडिंग में यहां लिख दे रहा हूं समावेशित शिक्षा की आवश्यकता, मजा आ जाएगा पढ़ने में, सच में आपको ये चैप्टर तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, है ना, अच्छे से। वैसे सारे चैप्टर आपको क्लियर होंगे, लेकिन मेरा ये जो वीडियो है, ये मेरा वीडियो इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है ना। जो हमसे जुड़े हुए ऐप पर उन बच्चों के लिए भी है, और जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं ये उन बच्चों के लिए भी है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये आप सबको ये चैप्टर तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मतलब ऐसे 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 क्वेश्चन बनेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा आंसर सही है, आपको चारों आंसर सही लगेंगे, ठीक है ना। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो आप 100% वही टिक लगा के आएंगे जो उसका सही उत्तर होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है सामान्य मानसिक विकास। मैं थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल पूरा रहा हूं, ना लिखना अपने को कम है समझाना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य हैं और ऐसे बच्चे विशिष्ट बच्चे, उनका भी सामान्य जो मानसिक विकास है वो कैसा हो, उनका भी विकास हो। मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास हो, और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका भी सामान्य मानसिक विकास हो, सॉरी
मानसिक विकास हो, ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास हो और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास हो। हमें इसीलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि हमें विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हमें ऐसी उनके उनके साथ इस तरीके से इस शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए कि सामान्य बच्चे भी उस विधि से अपना मानसिक विकास करें और विशिष्ट बच्चे भी करें, ठीक है, सभी को एक साथ लेके पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि किसी को हमने कुछ अलग विधि से पढ़ा दिया, किसी को अलग विधि से पढ़ा दिया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक साथ मिलके पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो जो दूसरा पॉइंट है वह है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण। देखिए, हमें बच्चों को पढ़ाना है यानी समाज को उन्नत बनाना है, बच्चे ही आने कल का भविष्य है, समझ आ रहा है ना। अगर हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं देंगे यानी कि हम कल के आने वाले समय में जो समाज बनने वाला है, जो समाज तैयार होने वाला है, यानी कि वो समाज ही हमें घुट घुट के हमें मार देगा, है ना। तो हमें एक इस तरीके से बच्चों के भविष्य को बनाना चाहिए, उनको ऐसा समझाना चाहिए, उनके मस्तिष्क का ऐसा विकास करना चाहिए कि वो आगे जाके एक उन्नत समाज का निर्माण करें, समझ में आ रहा है ना। उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जब वो छोटे होते ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी काफी बताया है कि जो शैशव अवस्था होती है, ठीक है, वैलेंटाइन है, एक वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बोला है कि शैशव अवस्था बच्चों के सीखने का एक आदर्श काल होता है, समझा ना। बच्चे शैशव अवस्था में बहुत अच्छा सीखते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसा ये जब छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें इस तरीके से उनका मानसिक विकास करना चाहिए कि बच्चे बड़े होके उनको वो जो, देखो मैं कोई एक बात बता देता हूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो कुछ सीख जाएंगे तो वो बड़े तक यानी कि आजीवन उनको वो बात याद रहती है, लेकिन जो 15 16 17 जो उम्र में जो बच्चे सीखते हैं ना, उनको वह बात कम याद रहती है। तो हमें बच्चों का बचपन से ही बच्चों का मानसिक विकास एकदम प्रारूप जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। इससे उन्नत सामाजिक एकीकरण यानी कि उन्नत समाज का निर्माण होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया, सामान्य यानी कि जो समान बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास होता है, ठीक है, यानी कि दोनों बच्चों को हमें एक साथ बिठा के पढ़ाना है और उनको ऐसी क्रिया विधि देनी है कि जिससे जो समान बच्चे हैं वो भी अपना दिमाग लगाएं और जो विशिष्ट बच्चे हैं वो भी अपना दिमाग लगाएं। अगर मान के चलिए विशिष्ट बच्चे आपकी क्रिया विधि को नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सामान्य बालक है वह उस बच्चे की क्या करे, हेल्प करे, थोड़ा सा मदद करे, तो वह बच्चा भी उस बच्चे के बराबर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक बार 99.9% जो शिक्षक जो विधि से जो पढ़ा रहा है और यह विधि उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसका जो मित्र अगर उसको पढ़ाएगा तो 100% उनको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षक जब पढ़ाता है तो हो सकता है बच्चे को नहीं समझ में आए, लेकिन अगर उसका मित्र थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देगा तो उसको 100% उसको आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका मतलब ये है ना। दूसरे का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, सामाजिक एकीकरण। ऐसे ही तीसरा है शैक्षिक एकीकरण, शैक्षिक एकीकरण, मतलब आपको ऐसी शिक्षक विधियों का यूज करना है, आपको ऐसी शिक्षक विधियों का यूज करना है वह विधि सभी के लिए समान हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ बच्चों को अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को आपने अलग पढ़ा दिया और दो बच्चों से बोल दिया कि घर पे आके पढ़ लेना, पूछ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी विधियों का यूज करना है कि वह विधि सभी बच्चों के लिए एक जैसी हो, है ना। शैक्षिक यानी कि जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो सबके लिए समान हो, उसके लिए ऐसा ना हो कि आगे के जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी वाहवाही कर रहा है और पीछे बच्चों से कर रहा है चल तुम तो बहुत गधे हो, है ना। ऐसा बिल्कुल बच्चों को गधा तो बोलना ही नहीं चाहिए, समझ आ रहा है ना, बच्चों से अपशब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी ग्रेड करते हैं, है ना, उन्हें हीन भावना बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक एकीकरण। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वह यह है
बौद्धिक भिन्नता, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि का मतलब जो बुद्धि से अलग हो, यानी कि थोड़ा सा कोई मंद बुद्धि हो, जिनकी बुद्धि सार्व हो, है ना, तो ऐसे बच्चों को भी हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। उनके लिए भी यह जो मनोशिक्षा है, सॉरी समावेशी शिक्षा है, उनके लिए भी जरूरी है ना, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना चाहिए। और जो पांचवा पॉइंट है ना बेटा, वह यह है समानता की अनुपालना। मैं यहां लिख देता हूं पांचवा पॉइंट, समानता की अनुपालना, यानी कि आपको क्लास में कक्षा में एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जो सबके लिए समान हो, सब एक जैसे हो, ठीक है ना, किसी को भी आपको विशिष्ट नहीं बनाना है, किसी को भी आपको वो नहीं रखना है कि आप अच्छे हो आप खराब हो, आप होशियार हो आप गधे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको समानता की अनुपालना का है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, समानता से मुझे क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन आया था NCF का, एक क्वेश्चन था 2005 का, इसमें उन्होंने समान शिक्षा का अवधारणा दी थी, जो अवधारणा दी थी ना समान शिक्षा की दी थी, ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो आ गया मूड में, बता दिया मैंने। NCF में एक क्वेश्चन था 2005 का, इसमें इन्होंने समान शिक्षा की अवधारणा दी थी। समझ में आया। एक मैं पॉइंट अपने मन से बोल दे रहा हूं, है ना, वो क्या है आपको समझ में भी आ जाएगा, छठवा है यानी दूरियों की, आपको जो दूरियां जो होती हैं वो कम होनी चाहिए, मतलब एक शिक्षक में और बच्चों में जो दूरियां होती हैं ना ये कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है, बच्चों में और शिक्षक में एक लाइन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, अब वह लाइन लिमिट आपको रखनी चाहिए, यह बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात आपसे बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दूरियों में थोड़ी कम होना चाहिए, है ना, अच्छे से होना चाहिए कि शिक्षक भी अपनी बात बच्चों से बोल पाए और बच्चे भी अपनी शिक्षक अपने सर से बोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना भी नहीं घुलना मिल जाना चाहिए कि बच्चे ही आपका मजाक उड़ाए, है ना, और आपको भी इतना नहीं होना चाहिए, इतने कड़क नहीं रहना चाहिए कि आप बच्चों से क्वेश्चन, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इतना कड़क नहीं होना चाहिए कि बच्चे आपसे डरे, आपसे अपनी बात नहीं बोल पाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी मनोशिक्षा की आवश्यकता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा समावेशित जो शिक्षा होती है उसके प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समावेशित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास में। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे हम, तो जो पहला सिद्धांत होता है ना बेटा वह यह होता है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं ना और जो सामान्य बालक होते हैं, और यहां लिख देता हूं मैं और नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ने आपने प्लस क्यों लगा दिया, और सामान्य हम लिख सकते हैं बालकों के लिए विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों के लिए समान भागीदारी और समान रूप से शिक्षा देना, समझ में आ रहा है। देखिए जो विशिष्ट बालक है मतलब ऐसे असमर्थ बालक और समर्थ बालक, इन सब बालकों को एक समान भागीदारी आपको देनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कह दिया कि भैया मंद बुद्धि बालक आप अपने घर जाओ या आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो, आप हमारे स्कूल लायक नहीं हो, ठीक है, और एक समान रूप से आपका जो रूप है ना वह समान रूप होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे बच्चों के लिए तो कोमल हैं और थोड़ा सा जो वीक बच्चा है आप उसको 24 घंटे डांटते ही रहते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, समुचित अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका जो रूप होना चाहिए ना वो सभी बच्चों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग अलग हैं, आपको समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब दूसरा है कि जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक और जो सामान्य बालक हैं, बालकों को समान समय देना चाहिए, समान समय देना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आया था बेटा सीटेट में, ठीक है ना, वो मैं क्वेश्चन आपको भी शेयर करूंगा। अभी आप देख लीजिए, जो विशिष्ट बालक है और जो समान बालक हैं, इनको समान समय देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मंद बुद्धि बालक है उनको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट के लिए आया और आपने कह दिया कि बेटा आप अपने आप घर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इन दोनों बच्चों को समान समय देना चाहिए। मतलब आप इन बच्चों को घर में अकेला बिठा के बुला रहे हो, अकेला बिठा के पढ़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समान बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम, मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे आया था। तो देखो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो समान बालक होते हैं, इनको समय कैसा देना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन थे वह ऑप्शन ऐसे, ये इस टाइप के ऑप्शन थे, मतलब कम समय, दूसरा अधिक समय, दूसरा अधिक समय, तीसरा ऑप्शन था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन था ज्यादा समय, और जो पूरा समय था ये, सॉरी, और जो चौथा ऑप्शन था वह था समान समय, ठीक है। अब देखिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम समय भी नहीं देना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे पढ़ा रहे हो और आपने 7 घंटे पढ़ा दिया, ये तो हो गया भैया अधिक समय। देखो अधिक समय और पूरा समय में क्या डिफरेंस है, है ना। आप कह रहे हो सर अधिक समय और पूरा समय तो एक ही जैसा हुआ। देखो मतलब आप 2 घंटे पढ़ा रहे हो और आप 7 घंटे अगर आप पढ़ाने लगे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सुबह 6 बजे से शाम के 9 बजे तक पूरा टाइम आप पढ़ा रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक समान समय देना चाहिए कि अगर आप 2 घंटे पढ़ा रहे हो तो आपको 2 ही घंटे पढ़ाना है, है ना। और ऐसा भी इन्होंने बिल्कुल समय का विशेष ध्यान, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो अगला है उत्तरदायित्व और सहयोग, अगला जो पॉइंट है वह यह है कि जो उत्तरदायित्व और सहयोग होना चाहिए, है ना, बच्चों में क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व और सहयोग, उत्तरदायित्व और सहयोग। मतलब कि ये कि आपको विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, सामान्य बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक क्रिया विधि दे दी, मतलब उनको हमने एक उत्तरदायित्व दे दिया। अब यह उत्तरदायित्व सामान्य बालक तो झेल जाएगा लेकिन विशिष्ट बालक नहीं झेल पाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि विशिष्ट बालक वह उत्तरदायित्व नहीं झेल पा रहा होगा लेकिन जो सामान्य बालक है वह विशिष्ट बालक की क्या करेगा, सहयोग करेगा, क्या करेगा, सहयोग करेगा। इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो जो सामान्य बालक है इसके मन में भी सहयोग करने की क्षमता उत्पन्न होगी, है ना, और जो विशिष्ट बालक है वह यह सहयोग लेके सामान्य बालक के बराबर आ जाएगा। समझ में आया, जो विशिष्ट बालक है इसको सामान्य बालकों के साथ अगर हम पढ़ाएंगे तो हम उसे एक उत्तरदायित्व देंगे, एक क्रिया विधि देंगे करने के लिए कि बेटा ये प्रैक्टिकल करो, ठीक है। लेकिन जब सामान्य बालक तो कर लेगा लेकिन विशिष्ट बालक नहीं कर पा रहा होगा, मतलब कोई मंद बुद्धि बालक है वह नहीं कर पा रहा है, तो जो उसका मित्र होगा वह इसको सहयोग देगा। मतलब इस मित्र में सहयोग की जो क्षमता होगी, मतलब सहयोग करने की जो प्रेरणा होगी वह एक तो उत्पन्न हो जाएगी इस बालक में, और दूसरा यह बालक यह सहयोग लेके किसके, इसके बराबर हो जाएगा।
तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन सही हो रही है, समझ में आया। तो उत्तरदायित्व और सहयोग हमें देना चाहिए। और फिर क्या है अगला पॉइंट कि विशिष्ट बालकों के परिवार की जानकारी होना चाहिए, जो विशिष्ट बालक हैं उनके परिवार की जानकारी होना चाहिए, मतलब उनका परिवार कैसा है, कहां से बिलोंग करता है, मतलब वो अपने वो जो परिवार है वह विशिष्ट बालकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। मतलब आजकल कोई रखता है नहीं, है ना, सही तरीके से शिक्षण विधियां अपनाता है नहीं है, है ना, रजिस्टर मेंटेन होते नहीं है, है ना, कि सब कुछ तो अस्त व्यस्त पूरी डली हुई है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो बच्चे विशिष्ट बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हमें बाकायदा पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको सूचना दे दूं बच्चों कि 4 सितंबर, है ना, 4 सितंबर आई थिंक आप सभी को भोपाल जाना है, ठीक है, आप सभी लोग भोपाल आइए, मैं भी आपको भोपाली में मिलूंगा, है ना, हमारे साथ हमारे और कलीग हैं वो सारे भोपाल जाएंगे, आप सभी को भोपाल आना है, है ना। और एक आंदोलन हो रहा है, बच्चों का आंदोलन, है ना, ये इसमें बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं कि भर्तियां दो, पुलिस की भर्ती दो, है ना, वर्ग 3 की भर्ती दो, यानी कि जितनी भी भर्तियां अलग थलग डली हुई हैं वो सारी भर्तियां दो, आप सबको चलना है ना, हम सब भोपाल चलेंगे 4 तारीख को, है ना, इस आंदोलन को पूरा करना है, संपूर्ण बनाना है इस आंदोलन को, ठीक है ना बच्चों, आना है सभी को, ठीक है। देखिए विशिष्ट बालक और उनके परिवार की भी जानकारी होनी चाहिए, समझ में आया। इसके बाद जो समाज से, जिस समुदाय से बच्चे आए हैं, मतलब कि इसका जो अगला पॉइंट है ना, ये हो गया 4 पॉइंट, अब 5 पॉइंट जो है वह यह है, जो विशिष्ट बालक आए हैं ना जिस समुदाय से, उस समुदाय की भी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, है ना। देखो मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा आपके पास पढ़ने आया है, सबसे पहले तो आप उसकी मनोदशा जानिए कि उसकी मनोदशा है क्या, है उसकी मनोदशा, फिर उसके परिवार के बारे में जानिए, फिर उसके समाज के बारे में जानिए, ठीक है ना, फिर बच्चे के बारे में जानिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। विशिष्ट बालकों का जो समुदाय होता है उसकी हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सब सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का एक छोटा सा सार निकल के आता है, वह सार ये है कि जो बच्चे इस तरीके से होते हैं, मतलब उन बच्चों को इस क्रिया विधि से हमें पढ़ाना चाहिए, यह सिद्धांत है कि वह सामान्य बच्चों के साथ क्या कर सकें, अंतः क्रिया कर सकें, मतलब वह सामान्य बच्चों के साथ क्या हो सके, वह अच्छे से पढ़ सके। ये था समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। यहां पर हमारा सिद्धांत होता है खत्म। अगली क्लास हमारी कल रहेगी। जो बात मैंने आपको बोली है कि 4 तारीख को आप सभी लोगों को भोपाल आना है, 4 सितंबर को, है ना, हम सब आपको भोपाल मिलेंगे और आपको यह आंदोलन अच्छे से संपूर्ण करना है, ठीक है ना। चलिए।